गुड आफ्टरनून गाइस, क्या होता है? Appreciate music, बोलो appreciate music, क्या लेता हूँ कि नहीं? कुछ जो कुछ appreciate music, क्या appreciate music, yes appreciate music, क्या मैं लेता हूँ तो I do not appreciate music, क्या बोलो कुछ? मार्केट जाना क्या होता है? फोटो मार्केट, क्या फोटो मार्केट बोलो जी? तो जाता हूँ कि नहीं? पूछो फोटो मार्केट, क्या टू मार्केट, क्या यू गो टू मार्केट बोलो? यू गो टू मार्केट, क्या यस आई गो टू मार्केट, क्या आई गो टू मार्केट, क्या आई गो टू मार्केट, मैं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू मार्केट बोलो कुछ? आई डू नॉट गो टू मार्केट, क्या अखबार पढ़ना क्या होता है? रीड न्यूज पेपर बोलो, रीड न्यूज पेपर बोलो, कुछ पढ़ता हूँ कि नहीं? कुछ डू रीड ए न्यूज पेपर, क्या डू रीड ए न्यूज पेपर, क्या नो आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर बोलो कुछ? आई ध्यान है आई डू नॉट रीड ए पर, क्या पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ तो रीड न्यूज पेपर, क्या मेरी आवाज आई रीड न्यूज पेपर, क्या चले? लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने क्या है थ्री स्ट्रक्चर्स की बात की थी, और उसमें जो आपका फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर था वो आपका क्या था जल्दी बताओ। चलो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर क्या था लास्ट टाइम, यानी पिछली दफा जो क्लास की है उसमें हमने तीन स्ट्रक्चर्स की बात की थी। पहला स्ट्रक्चर क्या था? आई एक्शन, आई एक्शन था, क्या था आई एक्शन ही था, क्या नाम तुम्हारा? जतन, जतन, तो तुम भी इनकी तरह जतन कर रहे हो, इसका मतलब दोनों दोस्त दोस्त हो और दोनों की बात एक ही है, जब एक है जहाँ यूनिटी होती है वहाँ समझो सच पहले से ही होता है और सब कुछ सही होता है, तो सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, क्लब प्रधान आपसे। तो यानी जो लास्ट टाइम थ्री स्ट्रक्चर्स की बात की थी उसमें जो पहला स्ट्रक्चर था वो क्या था? आई एक्शन, क्या था जी? आई एक्शन, क्या आई एक्शन, क्या यानी जो भी काम करते हैं वो दूसरे को बताना हो कि भी मैं ये करता हूँ बोलेंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बोलो ना आई स्पीक इंग्लिश बोलो जी, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, क्या मार्केट जाता हूँ बोलो जी, चाय पीता हूँ आई टेक टी बोलो, दूध पीता हूँ यानी एक्स वाई जेड जो भी काम करते हैं हिंदी में तो बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, ये बात अंग्रेजी में बोलना है तो बोलो ना आई एक्शन बोलो, आई एक्शन, क्या आई एक्शन, क्या प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बोलो जी, जो भी
भी काम आप करते हैं एक्स वाई जेड बोल देंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे आई एक्शन, क्या बोलेंगे यानी सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम आप करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी काम आप करते हैं अगर वो किसी दूसरे को बताना है तो आप एक स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, और वो है आपका आई एक्शन, क्या है जी आई एक्शन, क्या आई एक्शन, क्या आई एक्शन, क्या आई एक्शन। अच्छा आज जो आप क्लास पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आज जो आप क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर अपना जो डेली रूटीन है वो किसी को हम कैसे बताएं, यानी अपना डेली रूटीन आपको अगर किसी को अंग्रेजी में बताना है तो वो कैसे बताएंगे, वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा डेली रूटीन बोले तो दिनचर्या, यानी जो रोजाना काम आप करते हैं, यानी जो काम आप रोजाना करते हैं, जो एक आपका रूटीन है, ठीक है, आपका डेली रूटीन है वो दिनचर्या है, यानी रोजाना वो काम आप करते हैं, अगर वो काम आपको किसी को बताने हैं तो उसके बारे में आप कैसे बताएंगे, वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। यस गॉट इट? क्या? यस सर। बोलो ना। यस सर। इसके अलावा जो चीज आज आप सीखने जा रहे हैं यही आपकी पोडियम क्लास का टॉपिक रहने वाला है। सुमित कहाँ है ध्यान? तबियत खुश हो जाएगी, ध्यान बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, यहीं पे हाथ उसको नीचे रखो, इसमें क्या देख रहे हो, इसको बंद करो ना, क्या इसको बंद करो, इसे क्या इसमें चित्रण तुझको पूछा? पूछा तुझको फिर क्यों बोला? तुझको पूछा जो बता रहा है फिर? तो यानी आज हम सीखने वाले हैं वो है हमारा डेली रूटीन, यानी अपना जो दिनचर्या है किसी को हम कैसे बताएंगे वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा जो चीज आज हम सीखने जा रहे हैं वही आपका पोडियम क्लास का टॉपिक रहने वाला है। जैसे आपको कहा गया था कि भी हर हफ्ते आपको एक पोडियम क्लास का टॉपिक मिलेगा और वो आपको यहाँ पोडियम पर आकर बोलना है, तो आज वही टॉपिक हम सीखने वाले हैं, यानी किसी को अपना डेली रूटीन हम कैसे बताएंगे वो चीज हम सीखने वाले हैं। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। यस गॉट इट? क्या? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? क्या? नो प्रॉब्लम। बोलो ना। नो प्रॉब्लम। अच्छा हिंदी में आप किसी को अपना डेली रूटीन बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि भी सबसे पहले मैं ये करता हूँ फिर ये करता हूँ फिर ये करता हूँ, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम आप करते हैं अगर वो किसी को आप हिंदी में बताएंगे तो उसी तरीके से बताएंगे कि भी पहले मैं ये करता हूँ फिर ये करता हूँ फिर ये करता हूँ। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। अब ये बात अंग्रेजी में बोलना है तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक आपको एक तरीके से वो डेमो दिखाने वाला हूँ कि आखिर बताना कैसे है आपको, फिर क्या करना है जो जो काम आप करते हैं वो आपको यहाँ आके बताना, वो आपकी पूरे क्लास का टॉपिक होगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका हुबहू कॉपी नहीं करना है, जो काम आप करते हैं वो बताना, जो नहीं करते छोड़ देना है, यानी जो जो काम आप करते हैं वो यहाँ आके आपको बताना है। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? क्या? नो प्रॉब्लम। बोलो ना। नो प्रॉब्लम। यानी जब आप हिंदी में बोलते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले की बात जब आए तो उसके लिए हम अंग्रेजी बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या? सबसे पहले। बोलो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या? सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या? बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या? तुम्हारा ध्यान थोड़ी सी देर में इधर उधर चला जाता है, क्या वो ललित ऐसा है? यही तो है, इसी को तो कंट्रोल करना है। अगर आपका माइंड ही सेंटर में नहीं है, जो आप सीखने जा रहे हैं वहाँ आप सेंटर आपका है ही नहीं, आपका कंसंट्रेशन वहाँ पर है ही नहीं, तो उसे सीखेंगे क्या, बात खराब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने मेडिटेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन आपका जो सीखने जा रहे हैं वही होना चाहिए, सीधा फोकस आपका। गॉट इट? यस सर। और जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपका 2.5 से 3 महीने का ये तपस्या है, ठीक है, ये जो आप करने जा रहे हैं ये आपकी तपस्या है, और जब तपस्या आप करते हैं कुछ भी हो, किसी भी काम की हो, कैसी भी हो, हर काम में बाधाएं आती है, बात ध्यान रखना, और उन बाधाओं को पा करके अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको उसका। कैसे वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी काम आप करते हैं उस वो काम एक साधना होता है, एक तपस्या होती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा जिस दिन आपका फास्ट है, जिस दिन आपका फास्ट है पता चलेगा उसी दिन फ्रेंड दिखेगा तुमको खाता हुआ, ठीक है, उसी दिन दिखेगा तुम्हें नमकीन खाता हुआ, और उससे आप मांग भी नहीं सकते, ना ही खा सकते, खुद भी नहीं लेकर खा सकते, तो इतने मजबूर आप हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ये मतलब चक्र है कि जब आप कोई साधना मतलब एक तपस्या करते तो वहां बाधाएं आती है। और इसके अलावा जिस दिन आपने फास्ट रखा उस दिन और ज्यादा भूख लगेगी,
नहीं तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं चलता आप शाम को ही खाना खा रहे हैं और बिल्कुल मस्त रहते हैं पूरे दिन, ऐसा भी हो जाता है। और जिस दिन फास्ट रख लेंगे कह कर रखेंगे उस दिन जो है मतलब जानबूझ करके मतलब भूख आपको लगेगी, और इसके अलावा जानबूझ करके पता चलेगा कि पड़ोस में दावत है अब उसको खाने के लिए नहीं है क्या, पहले से मतलब ये वचन ले लिया कि भाई आज हमारा फास्ट आज अन्न मतलब खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तपस्या होती है। इसके अलावा और सुन लो तपस्या की बात, आपने देखा होगा जब आप मान लीजिएगा पांचवी छठी क्लास में जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, आप हर साल अपना प्लान करते होगे, पता है क्या प्लान करते होगे, जब भी आपका नया कोर्स आता है आप क्या करते हैं अपना एक मन बनाते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ अब की बार मुझे पढ़ाई करनी है, और इसके अलावा भाई किसी का भी काम नहीं छोड़ना है मुझे, सारे काम करने जितने भी सर काम बताएंगे वो सारे काम करने मुझे। अब पता चला कि वो दो चार दिन तो आप एक रेगुलरिटी आपके अंदर रहती है, पता चला उसके बाद में एक दिन काम छोटा उसके बाद सारे मन भर जाते, होता कि नहीं होता, और पूरी साल वो कॉपी खाली की खाली रह जाती है, ये काम होता है या करते हो पूरी साल काम, कोई एक आदि विषय का कर लेता होगा नहीं तो सारे जो सब्जेक्ट की जो नोटबुक है ना खाली रह जाती है। और उसके बाद क्या करते हो ये भी देखा होगा, उसको छोड़ो आपने देखा होगा आप मैथ मानेगा कोई पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है तो वो कहता है कि भी मैं एक भी एक्सरसाइज छोड़ूंगा नहीं और एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, सारे एक्सरसाइज करना है सारे सवाल करने हैं, पता चला कि एक सवाल तुमसे नहीं हुआ वहां कॉन्फिडेंस हो जाता तुम्हारा खराब, क्योंकि वही तो हमारा मतलब परीक्षा होती है जो हम कर रहे हैं तपस्या वही परीक्षा आती है, अब वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन हो जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हर प्रश्न मतलब हर एक्सरसाइज में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे नहीं होते, उसके बाद फिर पता फाइनल रिजल्ट क्या आता निकल के, फिर आता है हमें कुछ नहीं आता मैथ, ये हो जाता है मामला, ये किया होगा फिर किया नहीं कि किया कभी, कभी नहीं हुआ ऐसा फील, कभी नहीं हुआ कि कॉपी अरे ऐसा फील नहीं होता ऐसा हुआ, वो सोचो आपने मार्केट गया आपने कोर्स खरीदा नया एकदम, आपने कहा कि भी इसको पढ़े शिद्दत के साथ पढ़ना और उसे बड़ा अच्छे से तय लगा के रखते हैं अपने बैग में, तो पता चला कुछ दिन तो रख रहे हैं उसके बाद जैसा भी है ना उसे यू ही डाल देते हैं बैग में, होता कि नहीं होता, ये तो हुआ होगा फील है, सेम सिस्टम है, जो भी काम करते हैं ना वो एक मन लगा लेते हैं तो वहां बाधाएं आती आती हैं। इसी तरीके से अब आपने ढाई से तीन महीने का आपने जो है एडमिशन ले लिया कि ढाई से तीन महीने आपने मन बना लिया कि मुझे डेली जाना है, और हमने कहा भी कि डेली आना भी है, तो एक तपस्या है, और इस दौरान क्या होने वाला है, सीजन आ रहा है पता है किसका, शादियों का दावत आने वाली है, और देखो कल दावत में छुट्टी भी मार के तो दो चार है दावत के चक्कर में बताओ रे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मतलब ये परीक्षा होती है तुम्हारी, ठीक है, जो आप एक तपस्या करते हैं वहां बीच बीच में परीक्षा भी होती है आपकी, तो इसलिए उसी से बचना है, उसको पा कर गए तो कुछ मिलेगा और नहीं कर पाए तो फिर भाई तुम जानो तुम्हारा काम जानेगा, डेट और याद रखेगा जितना करोगे तो नहीं मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आप सोचोगे जिस दिन नहीं आया उसका भी मिलेगा कैसे मिल जाएगा जब तुमने वो काम किया ही नहीं, अडेट मतलब खाया तो उस दिन दावत, तो भाई दावत ही मिलेगा क्यों पूजा ऐसी है ना, मंगल को पार्टी दावत ही खाई तो दावत ही मिलेगा, और क्या मिलेगा रसगुल्ले खा लिए, रसगुल्ले के चक्कर में शरद ने क्लास ही छोड़ दी, क्यों कोई बात है सर क्यों रसगुल्ले जरूरी थे खाने, अरे अगर दावत भी है सबसे पहले ये है कि आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे और आपका प्राइमरी वर्क है पढ़ना तो पहले पढ़ाई होनी चाहिए बाद में कोई सेकेंडरी काम करना है, दावत खानी भी थी तो खा के चले आते, हमारी भी थी हम तो खा के चले आए, हमारी दो जगह थी अमरगढ़ में भी थी मंगलपुर भी थी, मंगलपुर जा नहीं पाए अमरगढ़ में अपना काम फाइनल कर लिया, दावत भी मतलब नहीं छोड़ी इसके अलावा अपना काम भी कर लिया, तो दावत खाने खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ बट अपना जो प्राइमरी वर्क है वो नहीं छूटना चाहिए, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे आपका प्राइमरी वर्क है मतलब पढ़ना, हमारा प्राइमरी वर्क है पढ़ाना, पढ़ाते एक भी क्लास छोड़ते रहे इमरजेंसी कभी छुट्टी होगा अगर हुआ तो, नहीं तो होगा ही नहीं, कभी मान लीजिएगा पता चला उठ ही नहीं पाए बिस्तर से तो ऐसा हो सकता है बट कभी नहीं होगा नहीं तो, और ऐसा हुआ भी नहीं है अभी तक, बस एक बार हुआ है वो 2017 की बात है शायद तब बीमार हुए थे तब एक हफ्ता शायद मुझे लग रहा है छुट्टी लेनी पड़ी है मजबूरी में जब बेड पे चले गए, नहीं तो आज तक छुट्टी नहीं ली है, रिकॉर्ड है ये एक भी छुट्टी नहीं ली है, अडेट तुमको भी यही करना है एक भी छुट्टी नहीं लेना है, जो डेली आएगा वो सीखेगा पूरी इंग्लिश सीख करके जाएगा, अडेट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलो जी सबसे पहला जो आप काम करते हो वो काम करते उठने का, और उठना होता है गेट अप, क्या होता है गेट अप, क्या होता है गेट अप, क्या होता है जी गेट अप, क्या डू गेट अप, आई गेट अप, बोलो आई गेट अप,
गेट अप क्या? आई गेट अप। मान लीजिएगा जल्दी उठते तो बोल देंगे आई गेट अप अर्ली, क्या बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली क्या? आई गेट अप अर्ली। बोलो ना आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली क्या? आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली। बोलो कुछ आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली। यस अर्ली। अब बात आती है जब आप हिंदी में बता दे सबसे पहले मैं उठता हूँ, उसके बाद की जब बात आए तो उसके लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में आफ्टर दैट। क्या? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। डेथ। डेथ। मरने के बाद कुछ भी नहीं भाई। आफ्टर दैट। चलिए जो वो है आफ्टर दैट। ठीक है, डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर डेथ बोला भाई, मरने के बाद, मरने बाद कुछ ठंडे पड़े रहोगे। उसके बाद क्या करते भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं, वो होता है गो टू मॉर्निंग वॉक। क्या होता है गो टू मॉर्निंग वॉक? क्या होता है गो टू मॉर्निंग वॉक? क्या होता है गो टू मॉर्निंग वॉक? गो टू मॉर्निंग वॉक? आई गो टू मॉर्निंग वॉक। बोलो जी आई गो टू मॉर्निंग वॉक। थक क्यों जाते हो भाई? आई गो टू मॉर्निंग वॉक। बोलो आई गो टू मॉर्निंग वॉक। आई गो टू मॉर्निंग वॉक। क्या? आई गो टू मॉर्निंग वॉक। उसके बाद? उसके बाद उसके बाद क्या करते भैया? आप अपना अपना रूटीन होगा, मान लेगा कुछ दौड़ते होंगे, मान लेगा दौड़ते हैं तो आयरन क्या? आयरन। क्या? उसके बाद? उसके बाद बोलो अपना वापिस आते होंगे तो वापिस आना होता है रिटर्न। क्या होता है रिटर्न? क्या होता है रिटर्न? क्या होता है रिटर्न? आई रिटर्न। बोलो जी आई रिटर्न। क्या? आई रिटर्न। बोलो अब आने के बाद में क्या करते भी? आने के बाद में जो है अपना जो है मतलब दांत साफ करते वो होता है ब्रश दांत। क्या होता है ब्रश दांत? क्या डू ब्रश दांत? बोलो जी आई ब्रश दांत। क्या आई ब्रश दांत? क्या डू ब्रश दांत? आई ब्रश दांत। बोलो जी उसके बाद? उसके बाद आफ्टर दैट। क्या बोलो ना? अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो है अपना मतलब उसको कुल्ला करते हैं तो वो होता है गार्गल। क्या होता है गार्गल? क्या होता है गार्गल? क्या होता है गार्गल? क्या होता है गार्गल? डू गार्गल? हाय गार्गल। बोलो जी हाय गार्गल। क्या हाय गार्गल? क्या उसके बाद? उसके बाद बोलो ना उसके बाद क्या करते जी? अपना मुंह धोते हैं, मुंह धोना होता है वॉश फेस। क्या होता है वॉश फेस? बोलो जी वॉश फेस। क्या वॉश फेस? फेस वॉश? वॉश फेस। एक और बोला फेस वॉश। वॉश फेस। क्या वॉश फेस? वॉश फेस। क्या वॉश फेस? यू वॉश फेस? आई वॉश फेस। दो ना आई वॉश फेस। यू चलाते हो आई वॉश फेस। आई वॉश फेस। आई वॉश फेस। बोलो जी आई वॉश फेस। आई वॉश फेस। के बाद आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। बोलो ना आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। बोलो आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। फिर क्या करते जी? अपना मुंह को मतलब पोंछते अच्छे से तो होता है वाइप फेस। क्या होता है वाइप फेस? वाइप फेस। क्या होता है वाइप फेस? वाइप फेस। वाइप फेस। वाइप वाइप वाला फेस है। वाइप वाइप फेस। वाइप 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 नहीं वाइप वाइप फेस। क्या वाइप फेस? वाइप फेस। वाइप फेस। क्या वाइप फेस? वाइप फेस। क्या वाइप फेस? डू वाइप फेस? आई वाइप फेस। आई वाइप फेस। बोलो जी आई वाइप फेस। आई वाइप फेस। उसके बाद आफ्टर दैट। उसके बाद आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। फिर क्या करते भी? चाय पीते हैं और चाय पीना होता है टेक टी। क्या होता है टेक टी? बोलो जी टेक टी। चाय पीते तो कैसे बोलेंगे? आई टेक टी। बोलो ना आई टेक टी। आई टेक टी। आई टेक टी। क्या बोलेंगे? आई टेक टी। आई टेक टी। बोलो आई टेक टी। आई टेक टी। हो सकता है कुछ दूध पीते होंगे, अगर दूध पीते तो आई टेक मिल्क। क्या आई टेक टी? आई टेक टी। बोलो जी आई टेक टी। के बाद आई टेक है।
उसके बाद आफ्टर दैट क्या हमारी आवाज दिखाई दे रहा है और ऊपर करो दैट क्या है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है अपना नहाते हैं, वो नहाना होता है टेक बाथ। क्या होता है टेक बाथ? क्या टेक बाथ? क्या टेक बाथ? नहातो नहीं चले आओ अगर ठंड पड़े तो नहीं नहाते हैं अच्छा जी टेक बाथ टेक बाथ क्या बोलो ना जुकाम हो रहा है उनका तो पता नहीं भी नहाते नहाते ड्यूटी एक बात है बोलो ना आई टेक बात क्या उसके बाद आफ्टर दैट क्या बोलो उसके बाद क्या करते जी कपड़े पहनते कपड़े पहनना होता है फुट ऑन क्लोज क्या होता है फुट ऑन क्लोज क्या होता है फुट ऑन क्लोज क्या होता है जी फुट ऑन क्लोज बोलो जी आई फुट ऑन क्लोज क्या आई फुट ऑन क्लोज क्या उसके बाद बोलो तो फिर क्या करते भाई उसके बाद जो अपना बालों में तेल लगाते वो होता है अप्लाई ऑयल क्या 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 होता है अप्लाई ऑयल अप्लाई ऑयल अप्लाई ऑयल क्या अप्लाई ऑयल क्या उसके बाद उसके बाद क्या करते हो भैया क्या करना पड़े तो बालों को संवारना रह जाता है तो होता है कॉम हेयर क्या होता है कॉमिंग हेयर नहीं होता है कॉम हेयर होता है हर जगह आई एन जी कुछ नहीं क्या ना बनाओ तो डू कॉम हेयर डू कॉम हेयर कॉम बोलो जी आई कॉम हेयर एन बी को भी चबा जाना है ठीक है एम के बाद बी आए तो उसे चबा जाते हैं तो आई कॉम हेयर क्या कॉम हेयर बोलो जी उसके बाद क्या करते हो क्या करे जी फिर तो चुप्पी बैठ जावे ऐसे ही है फिर क्या करते होगे मतलब पूजा करते होगे पूजा ना करता है कि खाना शुरू कर दो हो खाना शुरू कर दे यस सर अच्छा हाँ इनकी तो बात अलग ही है चलिए पूजा करते तो बोल देंगे प्रे टू गॉड क्या बोलेंगे भाई जिसको वजह से सब कुछ मिल रहा है थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए तो आई प्रे टू गॉड क्या प्रे टू गॉड कुछ कैसे बैठे हो सीधा नहीं बैठा प्रे टू गॉड बोलो जी आई प्रे टू गॉड क्या उसके बाद करते तो फिर तो मान लिया पूजा भी कर ले तो फिर तो टूट पड़ना है खाने के लिए है तो फिर बोला ब्रेकफास्ट करते होता है मतलब टेक ब्रेकफास्ट क्या होता है टेक ब्रेकफास्ट क्या टूट पड़ते हो नहीं टेक ब्रेकफास्ट मतलब क्या बात है नई इंग्लिश मिली है टूट पड़ने की याद रहेगा ना अब तो है कि अगर मान लेगा टूट पड़ना हो तो टेक ब्रेकफास्ट होता है ब्रेकफास्ट बिना बोल के ब्रेकफास्ट बोल देंगे ना ज्यादा मुंह खोले ब्रेकफास्ट क्या आई टेक ब्रेकफास्ट क्या आई टेक ब्रेकफास्ट बोलो जी उसके बाद क्या करते हैं जी फिर तो अपना स्कूल जाना है ठीक है स्कूल जाते तो आई गो टू स्कूल क्या बोलेंगे स्कूल जाना होता है गो टू स्कूल स्कूल जाते तो आई गो टू स्कूल क्या बोलेंगे आई गो टू स्कूल बोलो जी आई गो टू स्कूल क्या ध्यान बोल भी रहे कुछ आई गो टू स्कूल क्या उसके बाद दैट क्या बोलो ना क्या करते दोस्तों से मिलते जा करके तो होता है मीट फ्रेंड्स क्या होता है मीट फ्रेंड्स क्या होता है मीट फ्रेंड्स क्या होता है आई मीट फ्रेंड्स क्या बोलो क्या है इसमें
क्या कर रखा है, मतलब क्यों इसमें दे रखे उंगली, इसे निकालो, मतलब लिखने के लिए रेडी बैठे हो, कैसे कहे हमें लिखने के लिए। अरे लिखने को फोकस ज्यादा नहीं करना है, बोलना सीखना है ना, बोलना सीखना है ना, तो फिर लिखने को फोकस क्यों कर रहे हैं। तो डू यू मीट फ्रेंड्स, क्या खोल रखा है, ऐसे बंद करो ना, क्यों खोल रखा है बताना। कॉपी पेन ऐसे लेके बैठते हो लिखने के लिए, मतलब कोई कह दे हैं। अरे वाह, अरे लिखने से नहीं आएगा अंग्रेजी बोलना, लिखने से तो सिर्फ लिखना ही आएगा, अगर बोलना सीखना है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा। आडेट क्या कह दिया कान में, घर सबके सामने मुझे सब कह रहे। चलिए, तो यानी आपको बोलना सीखना है तो बोलना सीखने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। लिखने से नहीं आएगा, लिखने के लिए तो काफी सारी मार्केट में बुक्स आ रही है। इसके अलावा आप अपना बचपन से इंग्लिश लिखते ही आ रहे हो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, लेकिन इसके अलावा कुछ आगे बड़ी बात ना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तक ही रह गया मामला। गॉट इट, या फिर मैं कमिंसर है, बस यही तक बात होगी, यही में खुश रहते थे, क्या बात है कि हम अंग्रेजी बोल के अंदर जाते हैं। गॉट इट, बोलो ना, क्या करते पढ़ते हैं, तो पढ़ना होता है, स्टडी क्या होता है, स्टडी बोलो जी, स्टडी क्या, स्टडी क्या, उसके बाद फिर क्या करते हैं जी, पढ़ने के बाद अपना जो है घर वापसी आते हैं, मतलब तो वो होता है रिटर्न, क्या होता है रिटर्न, क्या होता है रिटर्न, हो गया पहले जी, आई रिटर्न क्या, आई रिटर्न क्या, बोलो ना, उसके बाद क्या, फिर क्या करते हैं थोड़ी बहुत देर जो है अपना आराम करते हैं, वो होता है टेक रेस्ट, क्या होता है टेक रेस्ट, क्या टेक रेस्ट, बोलो जी, टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट, बोलो जी, आई टेक रेस्ट, क्या आई टेक रेस्ट, क्या बोलो भाई, आई टेक रेस्ट, क्या आई टेक, उसके बाद बोलो ना, फिर क्या करते हैं अपना मुंह हाथ धोते हैं, वो होता है गेट फ्रेश, क्या होता है गेट फ्रेश, क्या गेट फ्रेश, आई गेट फ्रेश, बोलो जी, आई गेट फ्रेश, क्या उसके बाद, उसके बाद ध्यान, उसके बाद क्या करते भी लंच करते हैं, वो होता है टेक लंच, क्या होता है टेक लंच, क्या टेक लंच, आई टेक लंच, क्या उसके बाद, उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं तो कम ही है, कम ही कम ही कम ही, बोलो जी कम ही, क्या उसके बाद भी दोस्तों से मिलते आके कैसे बोलेंगे, आई मीट फ्रेंड्स, बोलो जी, आई मीट फ्रेंड्स, क्या आई मीट फ्रेंड्स, क्या उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आफ्टर दैट, क्या बोलो ना, क्या करते हैं इंग्लिश सीखते हैं भाई, आई लर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश सीखना होता है, आई इंग्लिश, तो बोलो आई लर्न इंग्लिश, क्या आई लर्न इंग्लिश, बोलो जी, आई लर्न इंग्लिश, क्या उसके बाद बोलते भी हैं, आई स्पीक इंग्लिश, बोलते हो ना, आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, क्या आई स्पीक इंग्लिश, उसके बाद वापिस जाते हैं, रिटर्न, आई रिटर्न, बोलो जी, आई रिटर्न, क्या बोलो, उसके बाद, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करते हैं भाई, थोड़ी बहुत देर जा करके वहाँ भी क्या करते होंगे, फिर अपना आराम करते होंगे, तो होता है टेक रेस्ट, क्या होता है टेक रेस्ट, तो पहले लिखा दिया, तो आराम करते कैसे बोलेंगे, मतलब टेक रेस्ट ही बोलेंगे, आई टेक रेस्ट, क्या आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट, बोलो, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद बोलो, क्या नाम है, हर्ष, ऐसे तो नहीं तुम इतने, मतलब हर्ष तो ऐसे ढीले से हर्ष सुने रहे, तो खुशी खुशी रहे, हर्ष का मतलब तो खुशी होता है, ऐसे ही है, गलत तो नहीं है, हिंदी इतनी बढ़िया बस मेरी,
हर समय खुशी होता है ना, तो तुम खुश कहाँ, तुम तो बड़े मतलब ढीले से रहते हो, खुश रहा करो और याद दिखा करो, सीधे बोला करो और समझा करो, ठीक है, बट शांत ना बैठा करो। मानेगा रेस्ट करते हैं तो आई टेक रेस्ट, क्या उसके बाद बोलो भाई, क्या फिर क्या है, अपना मुंह धोते होंगे तो मुंह धोना, गेट फ्रेश, क्या यू गेट फ्रेश, गेट फ्रेश, आई गेट ए फ्रेश, बोलो जी आई गेट ए फ्रेश, क्या उसके बाद बोलो ना, तो भैया उसके बाद क्या कर दोगे, उसके बाद तो अब यानी जो फिलहाल का माहौल है अब तो मुझे लग रहा रात ही जाती होगी फिर तो, ऐसी है ना, और उसके बाद फिर क्या है, कुछ अगर करते भी हो तो छोटा मोटा घर का काम करते होंगे, छोटा मोटा जो भी करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर से खाने का नंबर आता है, फिर से टूट पड़ते हैं, भास्कर स्लीपिंग है, नींदारी भास्कर है, रात के डीजे पे तो नहीं नाच लिया था, ऐसे ही है डीजे पे नाचा, कुछ ना भास्कर तुम्हारी जिंदगी मतलब अच्छी चल रही है, हमारी बेकार चल रही है, बेकार में मतलब चिल्लाए जा रहे हैं भैया डेली आना डेली आना, वो दावत की एक बार सुनी नहीं और पहुंच गए रसगुल्ला खाने के लिए, ऐसी भूमिका, एक बार सुनी नहीं, एक बार कहने के लिए आए ना, पहले पहुंच के वहां जाके सुबह को ही जाके पहुंच के, इतनी सुबह तो चालू भी नहीं होती दावत, इतनी सुबह तुम पहुंचते हो, और कब गए थे, स्कूल के बाद गए, यहाँ क्यों नहीं आए थे, यहाँ आते तो फिर रसगुल्ले छूट जाते, और हैं हम तो आए थे, हाँ तुम आए थे खा पी के चले आए थे, ये अच्छी बात है, आना चाहिए खा के चले आओ, इससे बढ़िया बात क्या है, क्या हो गया है, चलिए उसके बाद, उसके बाद फिर रात को अपने खाने पे टूट पड़ते, मतलब खाना खाते रात वाला खाना तो होता है टेक डिनर, क्या होता है टेक डिनर, क्या टेक डिनर, बोलो जी टेक डिनर, आई टेक डिनर, क्या उसके बाद बोलो ना, फिर क्या अभी घूमने के लिए जाते हैं, वो होता है गो टू इवनिंग वॉक, क्या होता है गो टू इवनिंग वॉक, क्या बोलो जी गो टू इवनिंग वॉक, गो टू इवनिंग वॉक, आई गो टू इवनिंग वॉक, बोलो जी आई गो टू इवनिंग वॉक, क्या उसके बाद वापिस आते रिटर्न, आई रिटर्न, क्या आई रिटर्न, क्या उसके बाद After that, बोलो जी फिर क्या करते हैं, फिर अपना जो है फ्रेश होते हैं, डू गेट फ्रेश, गेट फ्रेश, क्या गेट फ्रेश, बोलो आवाज है, मुंह तो मुझसे कितनी बार भी दिलवा लो दिन में, अरे तो आई गेट फ्रेश, क्या क्या करते भाई, फिर अपना जो है कमरे के लिए चले जाते हैं, वो था गो टू रूम, क्या होता है गो टू रूम, क्या गो टू रूम, आई गो टू रूम, बोलो जी आई गो टू रूम, उसके बाद बोलो ना, क्या करते जी लाइट ऑन करते हैं, वो था स्विच ऑन लाइट, क्या होता है स्विच ऑन लाइट, क्या स्विच ऑन लाइट, क्या स्विच ऑन लाइट, स्विच ऑन लाइट, बोलो जी स्विच ऑन लाइट, क्या उसके बाद बोलो ना, फिर क्या करते हैं यार, पढ़ाई तो तभी करोगे ना जब अपना बिस्तर लगा लोगे, बिस्तर लगाते होगे ना, बिस्तर लगाना क्या होता है, वैसे पता है फिर भी लिख के देता हूँ, मेक द बेड, क्या मेक द बेड, क्या मेक द बेड, आई मेक द बेड, बोलो जी आई मेक द बेड, क्या उसके बाद पढ़ते हैं तो पढ़ना होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी, स्टडी क्या स्टडी, बोलो कुछ स्टडी, क्या स्टडी के बाद बोलो ना, फिर क्या करते हैं, फिर तो भाई मम्मी जी आती हैं,
दूध लेकर के और फिर दूध पीते हैं, फिर तो ऐसे है ना कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, क्या है पता चला कि फोन ही चला रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है पता नहीं क्या चला रही है, व्हाट्सएप चला रही है क्या चला रही है, ऐसे ही है चले मतलब पढ़ते ही है, फिर पढ़ते तो भी दूध भी मिलता है तो दूध भी पीते हैं तो ड्यूटी मिल के शाम को दूध ना पीते पीते हो ना फिर टेक मिल क्या मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ लाओ पकौड़ी बनाएंगे अरे भाई अरे दूध ही मिलता है दूध ही पीते आई टेक मिल क्या दोबारा पढ़ना चाहिए, जब दूध मिला तो कुछ एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो फिर पढ़ना चाहिए ठीक है, तो दोबारा पढ़ते तो आई स्टडी अगेन क्या पढ़ने के लिए बोला तेज बोले के लिए बोला पर ढोल मेरा भाई ने बोला आई स्टडी अगेन क्या स्टडी अगेन बोलो स्टडी अगेन उसके बाद क्या करते हैं सो जाते लाइट बंद नहीं करते हैं अरे मीटर पता है कितना महंगा चल रहा है बिल पता है तुम्हें हाँ हमें क्या पता होगा पापा जी के उसे जाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जला रहे आग लग जाए मत जल जल कैसे भी हो जाए पहले बंद करना चाहिए उसको तो होता है स्विच ऑफ लाइट क्या स्विच ऑफ लाइट क्या स्विच ऑफ लाइट अगर हाँ डर लगता है तो भाई फिर तो जला के सोना पड़ेगा अगर डर लगता है तो फिर जला के सोना पड़ेगा तो मान लेगा बंद करते हैं तो आई स्विच ऑफ लाइट क्या आई स्विच ऑफ लाइट करते बंद नहीं आई स्विच ऑफ लाइट खुला छोड़ देते हो आई स्विच ऑफ लाइट स्विच ऑफ लाइट क्या आई स्विच ऑफ लाइट के बाद ये क्या भाई ऑफ करा फिर से ऑन करा मतलब रात को ऑफ ऑन का सिस्टम क्या बंद ही करते ना आई स्विच ऑफ लाइट क्या आई स्विच ऑफ लाइट नहीं बोल तो सही रहा था दिनेश थोड़ा सा मिसिंग हो गया लिपसिंग में ऐसे ही है चलो कोई ना हो जाता है आई स्विच ऑफ लाइट क्या आई स्विच ऑफ लाइट अभी भी कोई मिस्टेक किया अभी करा ना आई स्विच ऑफ ऑन पता नहीं अरे स्विच ऑफ के साथ ऑन थोड़ी लाना है और बंद करते तो बस ऑफ ही आएगा आई स्विच ऑफ लाइट क्या आई स्विच ऑफ लाइट आई स्विच ऑफ लाइट क्या आई स्विच ऑफ लाइट इसके बाद ऑफ लाइट ऑफ लाइट क्या ऑफ लाइट ऑफ लाइट तो क्या करते हैं भगवान को याद ना करते हैं कि भगवान दिन अच्छा गया आज कल भी अच्छा ना करते यार है ना अपने उससे कुछ सतना है चले तो कोई नहीं तो नहीं करते तो कोई बात नहीं करते तो आई प्रे टू गॉड क्या बोलो उसके बाद उसके बाद बोलो कुछ फिर कुछ नहीं करना होता सीधा बेड के लिए चले जाते हैं सोने के लिए गो टू बेड क्या गो टू बेड गो टू बेड गो टू बेड बोलो जी चलो इसका स्पेलिंग सही कर लेना आर ई टी यू आर एन
चले हैव अ ड्रीम आई हैव ड्रीम आई हैव ड्रीम आई हैव ड्रीम क्या आई हैव ड्रीम सब कुछ आई हैव ड्रीम। अच्छा जरा सुन लो क्या है बात, बात ये है कि जो लिखा है ये आपको नहीं बोलना है, अपना डे टू डे आपको बोलना है, जो काम आप करते हैं वही बताना है। गॉट इट? यस सर। इसके अलावा ये पूरे क्लास का टॉपिक है, आपको ये यहाँ करके बोलना है, सबके सामने बोलना है। इसके अलावा ये बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके अच्छा बोलेगा, तो घर पे जाकर के इसका बोलने का प्रैक्टिस करना है, शीशे के सामने खड़े जाना और प्रैक्टिस करना है कि भी। इसके अलावा थिंक एंड स्पीक वाला काम करना है, सोचना और बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली एंड आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर ये करता हूं फिर ये करता हूं, इस तरीके से बोलते जाना है। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। दो तीन बार तीन चार बार कम से कम करना पड़ेगा घर पे अच्छे से प्रैक्टिस, और थोड़ा बहुत कहीं अगर प्लस माइनस हो रहा है तो देख लेना है इसको। इसके अलावा पोडियम पे बोलते कैसे हैं, पोडियम की क्लास जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है और भी क्लासेस है और बैचेस की, तो उनको जाके देख लेना है, ठीक है? अगर लिंक ना मिले तो व्हाट्सएप कर दे रहा है। Got it? Yes, sorry. Yes, sorry. Yeah. Yes, sorry. ठीक है, आज का क्लास यही ब्रेक करेंगे, और ये इस वीक की पोडियम क्लास का टॉपिक है, आज नहीं है पोडियम क्लास, बट आज के अलावा कभी हो सकती है, कल हो सकती है, परसों सकती, कभी हो सकती है, यानी 3 days left in this week ना, so तीन दिन बचे हैं, तीन दिन में कभी भी हो सकती है। Got it? Yes, sorry. ठीक है, तो it's all for today, और meet tomorrow, कल मिलते हैं, तब तक के लिए my side, nice one.